चलिए देखते हैं गिरगिराड अभिकर्मक क्या है, गिरगिराड रिएजेंट क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे गिरगिराड रिएजेंट क्या होता है कि जब अल्काइल हैलाइड है ना, जब अल्काइल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ किया जाता है तो एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। कि जब अल्काइल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ किया जाता है तो एक प्रोडक्ट बनता है, जिस प्रोडक्ट का नाम क्या है, गिरगिराड रिएजेंट। उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो चलिए देख लेते हो कैसे लिखेंगे। लिखेंगे कि जब अल्काइल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से कराई जाती है तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, ठीक है। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है जिसे गिरगिराड अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। गिरगिराड अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। कि जब अल्काइल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से साथ कराई जाती है तो आपको एक प्रोडक्ट बनता है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। तो चलिए देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होगा। आप जानते हैं कि आर एक्स मतलब हो गया अल्काइल हैलाइड, ये हो गया मैग्नीशियम धातु, तो बनेगा आर एम जी और यहाँ पर क्या बन जाए, एक्स, ठीक है। आप यहाँ पर आर के जगह पर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया मिथाइल एक्स मतलब सी एल कोलिन और ये मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्ट किया तो बना दिया आपको सी एच थ्री एम जी और यहाँ पर हो गया आपको सी एल है तो सी एल, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्लोरो मीथेन मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्ट करता है तो बन जाता है मिथाइल मैग्नीशियम कोलाइड, ठीक है। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड मिलता है नेक्स्ट क्लास में।